आज हम बात करने वाले हैं पानी की। पानी एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना लाइफ नामुमकिन है, और बड़ी बात यह है कि ये इम्पॉर्टेंट रिसोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का कहना है कि पानी की कमी की वजह से अगला बड़ा वॉर होगा। अब ऐसे में सभी देशों को और हमारे केस में भारत को पानी एज अ रिसोर्स बचाने और सही इस्तेमाल में लाने की जरूरत है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में भारत ने रावी नदी के पानी पर एक डैम बनाकर इसे पाकिस्तान में जाने से रोक दिया है। पाकिस्तान इसे वाटर टेररिज्म का नाम दे रहा है, बट क्या एक्चुअल में वाटर टेररिज्म कर रहा है इंडिया? आइए हम समझाते हैं आपको। तो जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है, लेकिन भारत ने एक नया डैम बनाकर इस पानी को रोक लिया है और इसे जम्मू कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। अब मामले को थोड़ा पहले से समझते हैं। दरअसल इंडिया पाकिस्तान के बीच 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें दोनों देशों को इंडिया पाकिस्तान के बीच में पड़ने वाली नदियों के एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे। इसमें इंडस, झेलम और चेनाब के पानी पर पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव राइट्स मिले थे और भारत को ब्यास, सतलुज और रावी नदी के। सतलुज नदी का पानी भाखड़ा डैम के जरिए और ब्यास नदी का पानी पोंग और पंडो डैम के जरिए इंडिया यूटिलाइज कर पा रहा था, पर रावी नदी का पानी बिना इस्तेमाल हुए सीधा पाकिस्तान में जा रहा था और बेसिकली वेस्ट हो रहा था। अब भारत ने क्या किया कि ये जो शाहपुर कांदी डैम है, जिसकी नींव तो 1995 में पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पर तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रख दी थी, पर वो अब ऑलमोस्ट 24 साल बाद बनकर तैयार हो गया है और इस बैराज से इंडिया के जम्मू कश्मीर के रीजन को इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फायदा मिलेगा। हालांकि रावी नदी पर ऑलरेडी थेन या रंजीत सागर डैम बनाया गया था, पर उसके बावजूद लगभग 2 मिलियन एकर फीट ऑफ वाटर बिना यूटिलाइज हुए पाकिस्तान जा रहा था। सो दिस डैम इज अ 55.5 मीटर हाई डैम, जो एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसमें दो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं और इंडिया के जम्मू कश्मीर रीजन में इसके कारण 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा, जिससे इरिगेशन बेटर हो पाएगा। पर क्योंकि पाकिस्तान की तरफ अब रावी का पानी नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तान के कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक पॉपुलर न्यूज़पेपर डॉन ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की। फिर एक और न्यूज़पेपर पाकिस्तान टुडे ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इसे वाटर टेररिज्म का नाम दे दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल रावी नदी का जो पानी पाकिस्तान में जाकर वेस्ट हो रहा था, उसी वेस्ट को मिनिमाइज करते हुए ये जम्मू कश्मीर की 35,000 हेक्टर लैंड को इरिगेट करेगा। साथ ही बांध से पैदा होने वाली बिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को भी मिल सकेगा। और वैसे भी वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया के पास रावी नदी के एक्सक्लूसिव राइट्स है। वैसे भी इस डैम का काम कई सालों से फंड्स की कमी और जम्मू कश्मीर और पंजाब की सरकार के बीच डिस्प्यूट के कारण रुका पड़ा था। 2018 में जाकर फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस डैम प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट बनाकर इसका काम वापस शुरू करवाया। पर अब पाकिस्तान को इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो चाहते हैं कि रावी नदी का नेचुरल फ्लो नहीं रोकना चाहिए। वो चाहते हैं कि वाटर ट्रीटी को एक बार फिर से रिव्यू करवाया जाए। बट अगेन, रावी नदी का पानी तो उनका कभी था ही नहीं, तो फिर क्या ये मांगे जस्टिफाइड है? पानी दरअसल एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स बन चुका है जो धीरे धीरे करके स्कार्स यानी कि कम होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर सप्लाईज धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों में वाटर स्कैसिटी पूरी दुनिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनकर सामने आने वाली है। ऐसे में भारत का अपने वाटर रिसोर्सेज को बचाने और उसका सही जगह पर इस्तेमाल करने से पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपका क्या सोचना है इस बारे में हमारे साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को।